प्रदर्शनियों, तकनीकी सत्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेषता वाले जमशेदपुर के 33वें फ्लावर शो में फूलों की जीवंत दुनिया की खोज करें। जमशेदपुर शहर वर्तमान में अपने 33वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी कर रहा है, जो उद्यान प्रेमियों के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। जमशेदपुर हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित यह शो 26 दिसंबर तक चलता है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों और नवीन बागवानी तकनीकों की एक श्रृंखला शामिल है। I extend a very warm welcome to our chief guest, Mr. Chanakya Chaudhary, Vice President. का जो सपोर्ट सोसाइटी की है, कोई भी सोसाइटी मेंबर इसको भूलना नहीं चाहिए, बिना उनका ये संभव नहीं है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जाओ तुम जाओ। लाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग नया नया सीख मिलता है। हर स्टॉल में एक टीम लग के काम करते हैं, तो नया जो पूरा हर साल ये बहुत ये ऐसा एक इवेंट है जिसके लिए हम लोग पूरा साल काम करते हैं, और यहाँ आते हैं तो अलग अलग नए नए जो फ्लावर्स हम लोग अपना भी लगाते हैं स्टॉल में, और यहाँ आके देखते हैं कि क्या क्या नया टेक्निक है, क्या क्या नया वैरायटीज़ है और नया टेक्निक्स है। यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी चलते हैं ना, तो वो सब हम उसका आनंद लेते हैं और देखते हैं कि स्टॉल जैसे कॉम्पिटिशन में कैसे लोग एक पैशन की तरह इस गार्डनिंग को करते हैं, लोग कैसे अपना अपना गार्डन में किस तरह के नए नए पौधे को यू नो उसका प्रदर्शनी करते हैं, डेवलप करते हैं। आप से अगर बात कर रहे हैं आपने कहा प्रोग्राम में बुलाते हैं सब, क्या बात है, आप प्रोग्राम में मेरा बड़ा प्रोग्राम है। बहुत साल से आते थे, मेरी मम्मी को स्पेशली बहुत इंटरेस्ट है प्लांट्स में, हमारे घर पे भी, तो हम लोग हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि मम्मी को यहाँ पर ज़रूर लेके आए, मतलब बहुत तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और बहुत खूबसूरत है, तो इसीलिए जब भी मौका मिले हर साल अगर हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं तो ज़रूर ही आ जाते हैं। क्या नाम है? थर्ड एनुअल फ्लावर शो हो रहा है, 4 दिनों का ये जो मेगा इवेंट है वो हम शहरवासियों के लिए ही रखते हैं, ताकि शहरवासी यहाँ आए, कितने सारे फूल खिले हैं, कितने लोगों को यहाँ अपने फूलों को दर्शाने का मौका मिलता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पे आते हैं, और ये जो 4 दिवसीय जो इवेंट होता है उससे सबको प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जो बागीचे हैं, अपने बागान हैं और अपने आसपास का वातावरण है उसको भी फूलों की तरह हमेशा से महकाते रहें। और हम ऐसा है कि फूल बगीचा का शौक़ बहुत लोगों को हो रहा है, और अभी काफ़ी मुझे भी बहुत शौक़ है बाग बगीचा का, तो मैं भी बहुत फूल लगाती हूँ और जमशेदपुर में हमेशा ये फ्लावर्स को देख जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का डेकोरेशन और ये सब बहुत ही सुंदर रहता है और सब इंस्पिरेशन मिलता है कि यहाँ पे फ्लावर्स सब लगाना चाहिए और वातावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। अलॉन्ग विद दी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने भी काफ़ी बड़े पैमाने में यहाँ पार्टिसिपेशन हुआ है उनका। दी स्टॉल्स आर ऑलरेडी पैक्ड विद पीपल हु आर रेडी टू आई थिंक बाय फ्लावर्स एंड सैपलिंग्स एंड मे बी सीड्स एट्सेट्रा। एंड द लास्ट ऑन दिस सब्जेक्ट इज दैट नेक्स्ट 2-3 डेज यू विल सी अ लॉट ऑफ फुटफॉल।
24 से जावेद आलम, आप देख रहे हैं झारखंड के जमशेदपुर शहर में जहां फ्लावर शो लगता है हर साल, लेकिन बड़े बड़े शहर होने के कारण लोग फ्लावर को भूलते जा रहे, पेड़ पौधा पर्यावरण दूषित हो रहा है, लेकिन जमशेदपुर हरियाली क्षेत्र है और यहाँ के लोग का क्या विचार है? गुड डे अंकित, क्या लग रहा है फ्लावर शो? फ्लावर शो तो अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि अभी जैसे सब कुछ कट रहा है, पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से सारे कंपनीज बन रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया बिल्डअप हो रहा है, तो जंगल और पेड़ पौधा सबको काट रहे हैं, तो इसके लिए डेडिकेटेड फ्लावर शो से ये मिलता है, सबको मोटिवेशन मिल रहा है कि घर में प्लांटेशन करें और बाहर में भी प्लांटेशन करें। कितना अच्छा लगता है फ्लावर देखने में और पेड़ पौधे? मेरे को तो अच्छा लगता है, वो तो हरियाली सबको पसंद है, आपको तो पता है कि सारे जानवर को पसंद है, हरियाली रहेगा तो अच्छा ही रहेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है इससे। पेड़ है तो जल है और जल है तो जीवन है, तो लोगों का कहना है कि जरूर एक पेड़ अपने घर के पास लगाएं। मैं न्यूज़ 24 से जावेद आलम, झारखंड जमशेदपुर से।